जैसा कि आपको पता है कि अब की बार क्रिसमस में दो बड़ी बड़ी फिल्में एक दूसरे के आमने सामने हैं। सबसे पहले बात करें डंकी की, तो डंकी को लेकर आपको एक ऐसी शॉकिंग न्यूज बताते हैं जिसको लेकर शाहरुख खान बहुत ज्यादा टेंशन में है। ये आपको किस कोई बताएगा नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि शाहरुख खान की टेंशन सबसे बड़ी ये है, इनके सामने जो है सलार है और शाहरुख खान की ये समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रॉप वन टीजर रिलीज किया था जो शाहरुख खान ने, वो लोगों ने नकार दिया, उनको पसंद नहीं आया। सॉन्ग जो लुटपुट गया उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। शाहरुख खान के लिए सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अब उसका जो ट्रेलर आएगा उसका क्या रिस्पांस मिलेगा, सारी चीजें उसी के ऊपर टिकी हुई हैं। शाहरुख खान इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं ये फिल्म उनकी जो साल की डिजास्टर ना हो जाए। शाहरुख खान को कहीं ना कहीं ये चीजों का अंदाजा हो रहा है। तो एसआरके के फैन है जो दो चार चैनल जो चुटपुटिए हैं वो जो इसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, लाजमी उनको अच्छा बताना है, उनको एक एजेंडा ये चलाना है कि ये फिल्म का बहुत जबरदस्त हाइप है। ग्राउंड लेवल पे आप आओगे पूछोगे ना तो 0% है इसका डंकी का हाइप, कहीं पे भी नजर नहीं आता है। बहरहाल उसी के सामने जस्ट उसके अपोजिट जो है सलार है। सलार के बारे में आपको ये पता है कि अभी तक इसका जो है फेस रिवील नहीं किया गया है टीजर में प्रभास का, सिर्फ छोटा सा एक टीजर रिलीज किया गया था सुबह 5 बजे, आपको पता है वो 100 मिलियन क्रॉस हो गया। मतलब ये पावर है प्रभास का और अभी तक कोई चीजें दिखाई नहीं दी है। उसके बावजूद इसका हाइप इतना जबरदस्त बस बना हुआ है कि इसका ट्रेलर जो 1 तारीख को आने वाला है, जब फर्स्ट टाइम हमको प्रभास इस ट्रेलर में देखने को मिलेंगे, सोचो ये क्या तहलका मचाएगा 1 तारीख को, आप इसे अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जहां शाहरुख खान का एक तरफ डर है वहीं पे प्रभास का एक तरफ से कहर है, मतलब कहर बन के प्रभास जो है 22 तारीख को टूटेंगे डंकी के ऊपर। ये तो 100% जो इस वक्त नजर आ रहा है माहौल, क्योंकि सारे लोगों से जो चीजें सुनने को मिल रही है हर तरफ वो एक ही चीज है, वो है सलार सलार सलार। मतलब सबके दिमाग पे सिर्फ सलार चल रही है, डंकी का नाम दूर दूर तक नहीं है। वो जो लोग कर रहे हैं वो एसआरके के फैन है, बहरहाल मैं उनकी कद्र करता हूँ क्योंकि फैन है यार भाई, सपोर्ट तो करना बनता है, जाहिर सी बात है। इस बार वो बहुत अपसेट हो जाएंगे क्योंकि डंकी किसी भी मामले में सलार के सामने खड़े होने लायक नहीं है। मतलब किसी भी हाल में डंकी जो है सलार को हरा नहीं सकती, ये पूरी तरीके से कन्फर्म हो गया है, क्योंकि अब सारी उम्मीदें जो है एसआरके की टिकी है अपने ट्रेलर पर लेकर कि ट्रेलर को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। बट बस बना है तो भाई प्रभास सलार का। तो दोनों फिल्मों में आप किस फिल्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो, कि कौन सी फिल्म बाजी मारेगी, कौन हारेगा, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा ताकि पता चले किसका बस रियलिटी में ज्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर डब्ल्यू, सी यू अगेन। ओपिनियन करना मत भूलिएगा प्लीज।